है फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन माई SQL। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट ए टेबल, ठीक है। हाउ टू क्रिएट ए टेबल यानी कि एक टेबल को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग माई SQL। तो उससे पहले हमको बता दूँ टेबल क्या होती है। तो टेबल हम कह सकते हैं टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, रोज एंड। तो ये रहा टेबल की डेफिनेशन, जो कि टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि एक टेबल के अंदर मल्टीपल रोज या कॉलम्स हो सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आपको नहीं पता टेबल क्या होती है, अगर डिटेल में पढ़ने टेबल के बारे में, तो DB में इसके लिए सेशन पढ़ा था टेबल के बारे में, तो उसकी लिंक मैं छोड़ दूंगा, आई बटन में जाके देख सकते हो। तो अगर बात करें टेबल का, तो टेबल इज ए कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि बिना रोज और बिना कॉलम्स के हम टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टेबल हमारा दिखता कैसा है इन MySQL। तो अगर बात करें इस टेबल का, तो यहाँ पर टेबल का नाम है पर्सन टेबल। तो हमारे कुछ फील्ड है जो कि ID, नेम, सरनेम और एज, ठीक है। तो हमारे ID में कुछ डेटा रखी गई जी 1, 2, 3, 4, नेम, सरनेम और एज। तो अगर बात करें इसमें रो कौन है, कलम कौन है, अगर बात करें रो का, जो कि चलता है हमारे लेफ्ट टू राइट, यानी कि ये जो पूरी है हमारा रो है, यानी कि 1 जोड़ी, ये जो जो भी है यहाँ पर टक्कर और 34, ये हमारी क्या है, रो है। तो अगर बात करें कॉलम का, जो कि हमारा टॉप टू बॉटम होता है, बेसिकली ये जो हमारा कॉलम है और ये हमारा रो है, ठीक है। बेसिकली हमारा टेबल है जिसके अंदर कुछ फील्ड है, ID, नेम, सरनेम और एज। तो इस फील्ड को हम क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग MySQL, फिर उसके अंदर हमको डेटा को फिलअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन MySQL। तो MySQL में टेबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो वर्कबेंच, उसको मैं ओपन कर चुका हूँ। तो इसमें क्लिक करते हैं, हमारा कनेक्शन है, तो इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे को पासवर्ड के लिए एक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड इनपुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर करते हैं एंटर। तो बेसिकली ये आपके सामने MySQL वर्कबेंच की इंटरफेस। तो मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इसको यहाँ पर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे स्टूडेंट टेबल। तो देखते हैं स्टूडेंट टेबल को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने के लिए पहले हमको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैंने करा क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। फिर डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम मैं रखता हूँ, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, MyDB1, ठीक है, ये मेरी डेटाबेस के नाम है। तो क्रिएट डेटाबेस MyDB1। तो अगर बात करें MyDB1 का, तो यहाँ पर MyDB1 मेरी डेटाबेस के नाम है। तो सिंपल क्रिएट डेटाबेस, जिसकी मदद से डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि 0.53 सेकंड लिया इसको एग्जीक्यूट करने में। और जैक्सन का नाम है वो क्रिएट डेटाबेस MyDB1। तो किस टाइम पर हुआ था, ये हुआ था 1:09 पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं करता हूँ, तो मेरी डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं करूँगा इसको कनेक्ट, मैं करूँगा यूज MyDB1, या तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो यूज MyDB1। तो यहाँ पर मैं करता हूँ सेमीकोलन, तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो हो गया एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है कि 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल है नहीं, तो कोई भी यहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ टेबल को क्रिएट। तो टेबल को क्रिएट करने के सिंपल सा कमांड होता है, जो कि हमारा क्रिएट टेबल कमांड है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट टेबल, ठीक है। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, हम करते हैं क्रिएट डेटाबेस। जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे, हम करेंगे क्रिएट टेबल। जब हम व्यू को क्रिएट करेंगे, हम करेंगे क्रिएट व्यू, ठीक है। जब हम किसको क्रिएट करते हैं, हम करते हैं क्रिएट कमांड का यूज। तो बेसिकली क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल को मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, या तो आप चाहो तो लाइन में भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा सा मतलब दिखने में अच्छा ना लगेगा, तो इसमें करता हूँ यहाँ पर आके, यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पर सेमीकोलन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जाके अपने जो भी फील्ड है उसको मैं इनपुट करूँगा, ठीक है। तो इनपुट करते हैं, तो पहली बात स्टूडेंट टेबल होगी, उसकी क्या क्या फील्ड हो सकता है हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर गिवेन हो तो ठीक है, गिवेन नहीं है तो यू नीड टू थिंक। उसके अंदर बात करें रोल नंबर, तो पहली होती है, तो रोल नंबर हमारा किस तरह की होती है, रोल नंबर इंट टाइप का होता है। तो रोल नंबर हमारा इंट हो गया। इंट अगर है तो यहाँ पर कोई साइज प्रोवाइड करने की जरूरत है नहीं, तो अपने आप को फेच कर लेता है, ठीक है। तो अगर बात करें नेम, उसके बाद नेम ही आता है, तो नेम हमारा वेरकर का होता है या कैर का होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वेरकर ही ले लूँ, तो यहाँ पर वेरकर, तो नेम का साइज में रखता हूँ 20। तो यहाँ पर अगर चाहो तो आपकी नेम कुछ ज़्यादा ही बड़े, तो 50 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, कोई दिक्कत बात है नहीं। तो सिंपल है, मैं करता हूँ 20। फिर यहाँ पर मैं करता हूँ कॉमा, यानी कि एक फील्ड है और एक फील्ड है, हर एक फील्ड के बीच में कॉमा आना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर मैंने कॉमा दिया, फिर उसके बाद मैंने करा नेम वेरकर 20, सिंपल है। नेम के बाद मैं चाहता हूँ एज आ जाए, तो एज हमारे इंट टाइप का है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ एज इंट, तो एज इंट, फिर उसके बाद मैं करता हूँ कॉमा।
फिर उसके बाद मैं करता हूँ स्टूडेंट की एड्रेस, बेसिकली स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं कहाँ का रहने वाला है, ठीक है। तो मैं करता हूँ एड्रेस, तो एड्रेस हमारे वैरकर का है, तो वैरकर का अगर है तो एड्रेस थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 100 ही कर लेते हैं जिसका साइज, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूँ मेरे टेबल के अंदर। आप चाहो तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट की ईमेल आईडी क्या, स्टूडेंट की फ़ोन नंबर क्या है, मार्क्स क्या है, उसकी क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सी है, जो भी सारे चीज़ें हैं इसको यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर डेमो टेबल क्रिएट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि ज़्यादातर फील्ड हो ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर सिर्फ चारों फील्ड है, रोल नंबर, नेम, एज और एड्रेस, ठीक है। देखो यहाँ पर जो रोल नंबर है, रोल नंबर और नेम के बीच में कॉमा है, एज और नेम के बीच में कॉमा है, यानी कि हर एक फील्ड के बीच में कॉमा आना चाहिए। लेकिन अगर बात करें एड्रेस की, तो जब यहाँ पर जो मेरा क्या है लास्ट फील्ड है, यानी कि इसके बाद कोई फील्ड को मैं डिफाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मैं कॉमा को प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर इसके बाद कोई फील्ड होता तो मैं इसको कॉमा देके आगे बढ़ता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फील्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं कॉमा देने की जरूरत है नहीं। तो अगर यहाँ पर मैं कॉमा प्रोवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एरर ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ कॉमा को, तो सिंपल यहाँ एरर हट गया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका फील्ड है, हर एक फील्ड के बीच में कॉमा आना चाहिए। तो सिंपल है, हम यहाँ पर कॉमा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका फील्ड आखिरी फील्ड यानी कि लास्ट फील्ड है अब टेबल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसे एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो टेबल हमारा क्लोज हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हम करते हैं सेमी कॉलन का यूज, यानी कि एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, ताकि एग्जीक्यूट हो पाए, सिलेक्ट हो चुका है पूरा का पूरा। फिर इसके मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, तो यहाँ पर मैसेज कर रहा है कि रनिंग। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लिया, लेकिन ये जो भी हमारा चीज़ें एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ड्यूरेशन लगा 4.610 सेकेंड, 0 रोज अफेक्टेड, यानी कि यहाँ पर कोई भी शो को फेच नहीं कर रहे थे, कोई भी डाटा को हम फेच नहीं कर रहे थे, यहाँ पर सिंपल सिंपल दिखा रहे हैं 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल, जो भी हमारा एक्शन का नाम है, क्रिएट टेबल, रोल नंबर, इंट, जो भी सारी चीज़ें हमने लिखा, तो यहाँ पर ये सारे शो कर रहे हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा था 1:14 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो टेबल को देखने के लिए, तो क्या करोगे आप, डिस्क्राइब टेबल या DESC, ठीक है। हम कर सकते हैं डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, डिस्क्राइब स्टूडेंट सेमीकोलन, जो स्टूडेंट है इसको मैं चाहता हूँ देखने के लिए क्या क्या फील्ड मेरी टेबल के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर से आप सब दिख रहा है कि जो फील्ड है हमारे रोल नंबर, नेम और एज, एड्रेस है, टाइप हमारा रोल नंबर इन टाइप का है, नेम और वेरकर का है, एज मेरा इन टाइप का, एड्रेस मेरा वेरकर का है, सिंपल है। तो रोल नंबर नल है, तो आगे सीखेंगे नॉल क्या होते हैं, नॉट नल क्या होती है, तो डिफॉल्ट क्या होता है, की क्या होती है, तो आगे सीखने वाले हैं। तो बेसिकली कोई दिक्कत बात है नहीं। तो यहाँ पर कुछ फील्ड है और फील्ड के कुछ टाइप्स हैं जिसको यहाँ पर शो करवा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर डिस्क्राइब ना करके हम कर सकते हैं DESC, फिर टेबल का नाम, ठीक है, स्टूडेंट, सिंपल है, DESC फिर टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मेरा स्टूडेंट है, तो यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर सकते हो, DESC कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, सिंपल है। जो रिजल्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, वो रिजल्ट ये भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपकी मन करे तो पूरा लिखने के लिए तो डिस्क्राइब लिख सकते हो, अगर मन करे डिस्क्राइब ना लिखने के लिए तो हम सिर्फ DESC कर सकते हो, इसमें कोई भी एरर प्रोवाइड नहीं करने वाला है। तो ये था तरीका जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ये पूरी जो कोड है इसको आप एक ही लाइन पर भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत बात है नहीं। तो यहाँ पर मैं टेबल एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ, कि यहाँ पर मैं करता हूँ क्रिएट, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम होते हैं Tab1, ठीक है, Tab1 ये टेबल की नाम है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए नेम, जो मेरे वेरकर का होना चाहिए, इसका साइज मैं रखता हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करा जिसका नाम है क्रिएट टेबल Tab1, यानी कि Tab1 मेरा टेबल का नाम है। नेम सिर्फ इसमें एक ही फील्ड है, यहाँ पर मैं करता हूँ सेमी कॉलन, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर क्वेरी कंप्लीटेड, यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर जो क्रिएट टेबल Tab1 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर शो कर रहा है कि 0 रोज अफेक्टेड, तो यहाँ पर ड्यूरेशन लगा 1.094 सेकेंड, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक ही लाइन पे भी चीज़ों को लिख कर टेबल को क्रिएट कर सकते हो। हालांकि अगर हम ऐसे करेंगे तो कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि अगर मल्टीपल फील्ड में काम कर रहे होंगे तो सारे फील्ड में डील करना तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी कोड करेंगे तो हमारा रिडाबिलिटी डाउन ना हो, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा कोड की रिडाबिलिटी डाउन नहीं हो रहा, तो जो भी सारे फील्ड है हमको साफ साफ शो कर रहा है। तो हम इसको करेंगे क्रिएट टेबल नेम, इसके अंदर में जाके इसको कुछ करता हूँ इस तरह से, ठीक है।
तो आपको हमेशा इस तरह से टेबल को क्रिएट करने ताकि आपकी जो भी कोड की रीडेबिलिटी हो डाउन ना हो, आपको सारी चीज़ समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये था वीडियो आपको बताने के लिए कि हाउ टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग MySQL। तो होपफुली आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी, बेसिकली टेबल को किस हम क्रिएट करते हैं, टेबल दिखता किस तरह से। तो आगे हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉप ए टेबल फ्रॉम आवर डेटाबेस, यानी कि तो अगर बात करें स्टूडेंट टेबल का, तो ये मेरी अवेलेबल है MyDB1 की, ठीक है। ये MyDB1 क्या है, मेरी डेटाबेस की नाम है। इस MyDB1 के अंदर दो टेबल है, मेरी स्टूडेंट टेबल हो वही, दूसरा मेरा क्या है Tab1 टेबल, ठीक है। इन दोनों को मैं अगले लेक्चर में आपको डिलीट करके दिखाऊंगा कि बेसिकली किस तरह से हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम आवर डेटाबेस, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको सीखने को मिली दोस्त के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।